हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए। आपके टॉपिक दे रखा है दोस्तों एक इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। और सूचकांक क्या होते हैं, इसकी विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और सूचकांकों की रचना की समस्याएं जो होती है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और उसकी जो समस्याओं से संबंधित मैंने आपको टोटल 6 समस्याओं के बारे में बताया था। वे 6 समस्याएं कौन कौन सी थी पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 6 समस्याएं बताई थी कि सूचकांकों का उद्देश्य क्या है, ये डिसाइड करना, वस्तुओं का प्रतिचयन यानी कि सिलेक्शन करना, मूल्य उद्धरण करना और आधार वर्ष का चयन करना और औसत का चयन करना और भारांकन की रीति। और इसके अंतर्गत हम जो है आधार वर्ष का चयन पढ़ रहे थे। अब आधार वर्ष के चयन के अंतर्गत भी 2 विधियां बताई गई थी आप लोगों को। एक थी दोस्तों आप लोगों की कौन सी, श्रृंखला, और दूसरी कौन सी थी आपके, आपके कौन सी थी दोस्तों जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। एक थी स्थिर, बिल्कुल, तो स्थिर आधारित थी, और एक थी श्रृंखला आधारित। अब स्थिर आधारित क्या होती है, जिसके अंतर्गत एक अवधि या एक वर्ष विशेष को जो है मूल्य के आधार मान करके उसके अनुसार हम आगे का कार्य करते हैं। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कौन सा दोस्तों, प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला था, करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इंटू 100। और एक था श्रृंखला आधारित यानी चैन बेस मेथड, और चैन बेस मेथड क्या कहता है, लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस अपॉन में प्रीसीडिंग ईयर्स प्राइस इंटू 100। ये 2 मैंने बताया था। फिर मैंने बोला था कि आप जो है स्थिर आधार रीति को श्रृंखला आधार में और श्रृंखला आधार को स्थिर आधार में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमें समझना है, और उसका क्या फॉर्मूला है उसके बारे में हमें समझना है। फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका टॉपिक रहेगा आधार परिवर्तन। टॉपिक डालिएगा आप, क्या डालेंगे दोस्तों, आधार परिवर्तन, ठीक है, आधार परिवर्तन। अभी जो आधार परिवर्तन है, यह आधार परिवर्तन दोस्तों आपके कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। अब कौन कौन से प्रकार है, तो पहला आप लिखेंगे स्थिर आधार से, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार, एक तो ये मेथड है, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा हमारे काम की चीज, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार। और जो सेकेंड भाग है, जो कि सेकेंड मेथड है आधार परिवर्तन में, वो क्या है, तो श्रृंखला आधार से स्थिर आधार, ठीक है, श्रृंखला आधार से स्थिर आधार, स्थिर आधार, ठीक है। अब ये 2 चीजें हैं जो हमारे काम आने वाले नहीं है। तो आधार परिवर्तन कैसे होगा, स्थिर से श्रृंखला, श्रृंखला से स्थिर। अब ये कैसे करेंगे, उसके अंतर्गत हम एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिर से श्रृंखला में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला आप डालिएगा स्थिर आधार से श्रृंखला आधार, ठीक है, यानी कि आप इसे क्या कहेंगे, फिक्स्ड बेस टू चैन बेस। अब इसका एक फॉर्मूला है बेसिकली, वो आपको केवल याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या कहता है, तो देखिए चैन बेस, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, चैन बेस इंडेक्स नंबर 4 करंट प्राइस, ठीक है। तो चैन बेस इंडेक्स नंबर 4 करंट ईयर, सॉरी करंट प्राइस नहीं है ये, ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है वो देखिएगा, तो करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है, करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। बस ये फॉर्मूला है,
स्थिर आधार से जब आपको श्रृंखला आधार में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है चैन बेस इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में प्रीसीडिंग ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। अब हम जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आज आप क्वेश्चन डालिएगा दोस्तों, मुझे पता है थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें डालिएगा कि निम्नलिखित स्थिर आधार सूचकांकों से श्रृंखला आधार सूचकांकों की रचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और मैंने यहाँ पर तो लिखा ईयर और यहाँ मैंने लिख दिया फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और आपको जो ईयर में लिखना है वो लिखना है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। ठीक है, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर जो है वो कितना है दोस्तों, 80, 100, 120, 150, 180, 225। ये हो गया फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ये आपको दे रखा है। ये एक इस प्रकार से सारणी बना करके आपके सामने क्वेश्चन पेश किया गया है। ठीक है, ये कट हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्थिर आधार सूचकांक आपको दे रखे हैं, इनको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, तो श्रृंखला आधार सूचकांकों की आपको रचना करने का बोल दिया। आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से एक सारणी दे दी है। अब इस सारणी का उपयोग कैसे करेंगे वो देखिए, मैं इसको स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ, क्वेश्चन को ये देखिए। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करेंगे, तो जो दे रखा है ना, जो सारणी दे रखी है ना, इस सारणी को एज इट इज लिख दीजिए। क्या करेंगे, इस सारणी को एज इट इज लिख दीजिए। तो भाई लिख लो, देखो मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए ईयर और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और यहां आप लिखेंगे चैन बेस इंडेक्स नंबर, जो हमें निकालने को बोला है कि श्रृंखला आधार सूचकांक आपको निकालना है तो वो यहाँ लिखेंगे। ईयर कौन से जो आपको दे रखे हैं, 2005, फिर 2006, 2007, 2008, 2009 और ये 2010 आ जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड बेस कितना है, 80, 100, 120, 150, 180 और 225। अब क्या करेंगे, देखो चैन बेस इंडेक्स नंबर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जो आपका पहला फिक्स्ड ईयर बेस दे रखा ना, आपका जो पहला ईयर दे रखा है, ये देखिए ये वाला ईयर कौन सा, ये वाला 2005, इसका जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है ना, इसको तो आप हटा दीजिए। ये मान लीजिए कि ये आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्या मानेंगे आप, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अब क्या बचा आपके पास, 100, तो आप एज इट इज 100 लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज यहाँ 100 लिख देंगे। अब एक अब जो 100 के लिए निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप, 100 अपॉन में प्रेसिडिंग ईयर, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, देखिए एक मिनट, 100 अपॉन में प्रेसिडिंग ईयर कितना है, 80 इंटू क्या करते हैं हम, 100, तो क्या हो जाएगा, ये कटपीट हो जाएगी, ये देख लीजिए 20 चौक 80 और ये 20 पंजे 100, फिर ये 4 से 25 बार और 25 इंटू 125। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, तो 120 ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, इसी प्रकार से आप सॉल्व करिए अब सभी के लिए, देखिए फिर हम करेंगे 150 के लिए, तो 150 बटे 120 इंटू 100, दो जीरो से जीरो, ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से ये
25 तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। फिर 180 बटे 150 इंटू 100, ये 0 से 0, ये 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 छिंग 120। फिर 225 अपॉन में 180 इंटू 100, ये 0 से 0, और अब ये जो है दोस्तों 225 इंटू 10 हो जाएगा 2250 बटे 18, तो ये 18 से कट करके आ जाएगा वापस से कितना दोस्तों 125 बस। तो अब देखो, 1 2 3 4 5 6 है, और अब ये जो चैन बेस्ड है वो देखो मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ क्या क्या आए हैं वो वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो अब ये कितनी कितनी आ रही है, पहले के लिए दोस्तों कितनी आई 100, फिर कितनी हो जाएगी 125, फिर कितनी हो जाएगी 120, फिर कितनी हो जाएगी 125, फिर कितनी हो जाएगी 120, फिर कितनी हो जाएगी 125, बस ये हमारे पास में निकालना हमने सीख लिया। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, और ज़्यादा कोई पूछते नहीं है बेचारे यार, बस दिक्कत यही है कि हम ये समझते नहीं है कि और क्या पूछेंगे, हम यही सोचते हैं क्या पूछेंगे और क्या पूछेंगे और क्या पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे वही जो पहले पूछा जा रहा है। तो स्थिर आधार से अगर हमें श्रृंखला आधार में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है, चैन बेस इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू सी वाई, यानी कि करंट ईयर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में प्रीसीडिंग, यानी उससे पीछे वाला कौन सा था। तो पीछे वाला मैंने देखो, पीछे वाले तो यूज किया, देखो भाई अभी करंट ईयर में कितना है 100, पीछे कितना था 80, तो 100 अपॉन में 80 इंटू ये, तो देखो 100 के लिए निकल गया। और जो पहले वाला ईयर होता है उसके लिए जो है जस्ट नीचे वाली संख्या को आप मान के चलेंगे, उसको 100 लेकर चलेंगे। ये बात आपको समझनी है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ में आई ना बात, क्या करना है क्या करना है, जो दे रखा है आपको सबसे पहले तो कौन सा ये लोगे तो 100 ले लेंगे चैन बेस्ड में, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे बस, ठीक है, फॉर्मूला यही लगाते हुए चलना है। अब देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको जो है वह समझना है दोस्तों, किसके बारे में, तो वह समझना है श्रृंखला आधार से स्थिर आधार, ठीक है, श्रृंखला आधार से स्थिर आधार के बारे में अब हम बात करेंगे कि श्रृंखला यानी चैन बेस से हम फिक्स्ड बेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है दोस्तों वह उसी की तरह बहुत ही इजी है, केवल इसमें क्या हो जाएगा, नीचे सो आ जाएगा, करंट ईयर चैन इन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीसीडिंग ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में 100, और फिर आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस केस में क्या करने हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए, करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट ईयर चैन इन बेस इंडेक्स नंबर इनटू क्या हो जाएगा, प्रेसिडिंग ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में 100, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये ट्रिक में सी वाई ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो बोल रहा हूँ, करंट ईयर चैन इन बेस इंडेक्स नंबर और प्रीसीडिंग ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में 100। अब इससे संबंधित भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, आपको एक तरफ तो ईयर दे दिए जाएंगे और एक तरफ चैन बेस इंडेक्स नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, ईयर आपको दे दिए गए 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009, 2010, ठीक है। और चैन बेस इंडेक्स नंबर कितना दे दिया गया, 80, 125, 140 और 50, 120
और ये आपको दे दिया 125 और ये आपको दे दिया मैंने 60। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके सामने एक क्या दे दी गई दोस्तों, सारणी बना करके दे दिया गया है। एक सेकेंड, ये देखो सारणी बनेगी, अभी ये बन गई, बात समझ में आई। और इसको भी आप ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए। ठीक है, बस ईयर और आपके सामने जो है चैन बेस इंडेक्स नंबर दे दिया गया। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग से बढ़िया है क्या करिए, कम दिमाग लगाइए। और ईयर को यहाँ लिख दीजिए एज इट इज, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। और चैन बेस इंडेक्स नंबर जो दे रखा है 80, 125, 140, 50, 120, 125 और 60। अब यहाँ हम क्या करेंगे, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। उसमें क्या करते थे हम, लास्ट ईयर को ऊपर लाते थे, यहाँ एज इट इज ईयर्स को ही रखेंगे, 80 का 80 ही रखेंगे और 125 इंटू 80 अपॉन में 100। तो ये 25 चौक 100 और ये 25 पंजे, अब ये 4 से कितनी बार, 20 बार, 20 पंजे ये 100 आ गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो 140 इंटू कितना हो जाएगा, 125 बट्टे 100, तो ये 25 चौक 100, 25 पंजे और ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 2 0 4 पंजे और 35 इंटू 5 आ जाएगा, तो 3 5 15 यानी 150 और 50 25 यानी कि 175 हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों सॉल्व करते जाना है और कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बात आप समझिएगा। सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ हमें जो है एक गलती कर दी है कि, एक मिनट मैं बता देता हूँ क्या गलती कर रहे थे हम। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या करा, 80 था यहाँ पर तो ये 80 हमने यहाँ रखा। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे, जैसे 140 का करेंगे तो 140 इंटू ये वाला जो आ रहा है ना वैल्यू, इसको यहाँ पर रखेंगे 100 बट्टे 100, तो ये 100 से 100 कटेगा 140। क्यों, क्योंकि देख लीजिए मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है कि क्या करते हैं। ये देखो मैंने क्या लिखा था, प्रिसीडिंग ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर तो हम निकाल रहे हैं तो फिर हमने वो पुट कैसे नहीं करा, ठीक है, तो वो हम पुट करेंगे। ये तो हमारे पास क्या है, करंट जो है चैन बेस इंडेक्स नंबर है, इसलिए अब 140 आ गया। अब जैसे कि देखिए मुझे 50 के लिए सॉल्व करना है, तो 50 इंटू ये वाला जो 140 है ये यहाँ हम लिखेंगे 140 बट्टे 100, तो ये 50 से 2 बार, ये 2 से 140 कितनी बार, 70 बार। अब 120 के लिए करना है तो 120 इंटू 70 बट्टे 100, तो ये 0 ये 0, 12 7 84। ठीक है, नेक्स्ट और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 125 के लिए करना है तो 125 इंटू कितना आया, 84 अपॉन में 100, ये 25 चौक 100, 25 पंजे और ये 4 से कट जाएगा, 4 2 8 4 1 4 ये 5 1 5 5 2 10, ठीक है 105 हो जाएगा। फिर हमारा जो आगे वाला है नेक्स्ट वो क्या है दोस्तों, तो वो है 60, तो 60 इंटू 105 अपॉन में 100, ये कट जाएगा 5 से 21 बार, ये 5 से 20 बार, 20 से ये 3 बार, 3 से ये 63, बात समझ में आई। बस तो अब हमारे पास में जो है पूरा एक देखो सीरीज आ गई है, वो सीरीज क्या आई है वो देख लीजिए आप। हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड देखिए, ये देखिए अब कितनी आ रही है सीरीज में, देखो अलग अलग वैल्यूज, पहली तो आ जाएगी 80, फिर आ जाएगी 100, फिर आ जाएगी 140, फिर आ जाएगी 70, फिर आ जाएगी 84, वन आ जाएगी 105 और फिर आ जाएगी 63। बस यही है हमारे पास में क्या दोस्तों, ये है हमारी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBIN, बात समझ में आई। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से कंप्लीटली डिटेल समझ में आ चुकी होगी कि स्थिर आधार रीति के अंतर्गत और श्रृंखला आधार रीति के अंतर्गत, और श्रृंखला को जो है स्थिर में, स्थिर को श्रृंखला में कैसे परिवर्तन किया जाता है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा।
मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो ज़रूर कंप्लेन करिए, मतलब ज़रूर मुझे जो है कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों के लिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमारे पास में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, फिफ्थ जो हमारी समस्या थी वो आ जाएगी। और फिफ्थ समस्या हमारी क्या थी, औसत का चयन। क्या आ जाएगी दोस्तों, औसत का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ एवरेज, औसत का चयन। अब सिलेक्शन ऑफ एवरेज, तो सिलेक्शन ऑफ एवरेज जो है दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पर जो है समांतर माध्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुणोत्तर माध्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इससे जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे कि एक तो मीडियन निकालना आना चाहिए, एक आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना आना चाहिए, एक आपको अर्थमेटिक मीन निकालना आना चाहिए। तो ये निकालने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ना होगा। तो वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इससे संबंधित जो भी डाउट है वो पूरे क्लियर करूंगा। और उसके बाद हमारी बारांकन की रीति रहेगी, और उसके बाद में सूचकांकों के निर्माण की जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में लगभग ये आप लोगों का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।